नमस्कार, मैं निशांत शर्मा आप सभी का उपार्जित ज्ञान में स्वागत करता हूं। कल ब्रिटेन राजघराने के ट्विटर हैंडल से एक खबर आई कि प्रिंस फिलिप नहीं रहे, वह 99 वर्ष के थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आज हम जानेंगे प्रिंस फिलिप से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि वो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पति थे, तो किंग क्यों नहीं कहलाए जाते हैं, प्रिंस क्यों कहलाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन राजघराने का ऐसा नियम है कि कोई अगर रानी से शादी करेगा तो वह किंग नहीं प्रिंस कॉन्सर्ट कहलाया जाएगा। किंग और क्वीन का टाइटल केवल ब्रिटेन राजघराने के लोगों के लिए ही है। उदाहरण के तौर पर अभी जो उत्तराधिकारी हैं वो प्रिंस चार्ल्स हैं, और महारानी एलिजाबेथ के बाद जो क्राउन ट्रांसफर होगा वो प्रिंस चार्ल्स को होगा और वह किंग कहलाए जाएंगे। चलिए प्रिंस फिलिप से जुड़ी और भी चीजें हम जान लेते हैं, जैसे कि उनका जन्म 10 जून 1921 को हुआ था। वह ग्रीस और डेनमार्क के राजघराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जब वे 18 महीने के थे तभी उनके माता पिता को निर्वासित कर दिया गया था। प्रिंस फिलिप इंग्लैंड आए और इंग्लैंड में उन्होंने रॉयल नेवी को ज्वाइन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर उन्होंने अपनी रॉयल नेवी को सेवाएं दी। 21 साल की उम्र में उन्हें फर्स्ट लेफ्टिनेंट का पद मिला। वह इस पद को पाने वाले उस समय के सबसे यंगेस्ट व्यक्ति थे। 20 नवंबर 1947 को वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ में विवाह बंधन में बंधे। एक और बात उनके बारे में कि वो क्वालिफाइड पायलट थे। उनके नाम पर 5,986 घंटों की उड़ान दर्ज है और उन्होंने 59 तरीके के हवाई जहाजों में उड़ान भरी है। एंड ही बिकेम ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग कंसर्ट इन 2009। इसके अलावा वो अपनी फिटनेस के लिए भी काफी मशहूर थे। आपने उनकी वीडियोस या फोटोज देखे होंगे, तो काफी फिट रहे वो अपनी सारी उम्र। उनकी फिटनेस से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। वर्ष 2016 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी फैमिली के साथ में विंडसर कैसल गए थे। तब प्रिंस फिलिप ने उन्हें अपनी कार में लिफ्ट दी थी, यानी कि वह कार को खुद ड्राइव कर रहे थे। ये काफी प्रेरणादायक है कि 94 की उम्र में भी व्यक्ति खुद कार ड्राइव करें। और मुझे पर्सनली ये बात काफी अच्छी लगी कि आपकी उम्र कितनी भी हो लेकिन आपको हमेशा फिट रहना चाहिए। और इसी संदेश के साथ में मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, या आपको हेल्दी खाना पसंद है, या आप वीगन डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल वेज एंड वीगन स्टोरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।